मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से Amazon Pay में एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके Amazon एप्स को लेटेस्ट वर्जन है अपडेट कर लेना है। इसके बाद आपका जो फोन में Amazon एप्स है ऐप को ओपन करवा लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आते हैं। इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं Amazon Pay, इधर आपको क्लिक करना है। Amazon Pay में क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा Amazon Pay UPI, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह आपका एक पेज आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए दोस्तों इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं ऐड अनदर बैंक अकाउंट, इधर आपको क्लिक करना है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए, जब अपना बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं तब आपका ये जो सिम है इस सिम आपका फोन में रहना चाहिए। एक नंबर, दो नंबर, आपका जो सिम है वो सिम में इंटरनेट कनेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक नहीं है तो आपका दोस्त के पास से हॉटस्पॉट के थ्रू अपना मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन सही करे। इसके बाद आपका सिम में SMS पैक रहना जरूरत है। आपका सिम में SMS पैक नहीं रहेगा तो SMS के थ्रू जो है वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपका जो है बैंक अकाउंट आप नया ऐड नहीं कर सकते। अभी देखिए इस तरफ का हमारे फोन में लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने का क्या प्रॉब्लम जानते हैं, हमारा जो वाईफाई था अभी कुछ भी इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसलिए मोबाइल डेटा से चल रहा है बट मोबाइल डेटा भी स्लो है, इसके लिए ये लोडिंग ले रहा है। बट ऐसा हो रहा है तो थोड़ा टाइम इंटरनेट को ऑफ करिए, उसके बाद ट्राई करिए। तो मैं ट्राई करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने अगेन बैक कर चुके हैं। बैक करने के बाद अगेन इधर आ चुके हैं। इधर आपको प्लेस से क्लिक करना है एट अनदर बैंक अकाउंट, इधर आपको क्लिक करना है। इधर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ टाइम के बाद देखिए आपके पास इतना सारा बैंक अकाउंट आ जाएगा, जितना भी सारा सपोर्टेड UPI सपोर्टेड बैंक अकाउंट है वो आ जाएगा। आपका जो बैंक है जो वो बैंक इधर नाम सर्च कर सकते हैं और इधर आप स्क्रॉल करके भी अपना बैंक को चूज कर सकते हैं। देखिए हमारा अभी जो ऐड करने वाला है ये पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में क्लिक करूंगा। इसके बाद मोबाइल के थ्रू वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा जो है UPI सेटअप हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड, इस प्रोसीड वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला जब ऑप्शन में क्लिक करेंगे तब आपका देखिए आपका पंजाब नेशनल बैंक जो था वो अभी ऐड हो चुका है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये तो ऐड हो चुका है बट अभी हमारा इधर बहुत सारा बैंक अकाउंट है, एयरटेल पेमेंट बैंक है और स्टेट बैंक है। आप इसको इधर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट आप इसको इधर रख के भी आप एक बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करना चाहते हैं इसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ता है जो इधर आपको 3 लाइन में मिलता है। देखिए जब आपका कोई किसी भी आदमी किसी भी फ्रेंड आपको पैसा भेजेगा तब कौन सा अकाउंट में जाएगा, जो अकाउंट प्राइमरी है, इधर नील करके लिखा हुआ है प्राइमरी अकाउंट। तो आप पंजाब नेशनल बैंक को प्राइमरी करना चाहते हैं, आप जो भी आपका पसंदीदा बैंक को प्राइमरी करना चाहते हैं इसके लिए आपको इस 3 लाइन में क्लिक करना है जो बैंक का प्राइमरी करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर सेट एज ए प्राइमरी अकाउंट, इधर आपको क्लिक करना है। जब सेट एज ए प्राइमरी अकाउंट करेंगे तब देखिए ये अकाउंट ऊपर में जा चुके हैं। अभी जो भी आदमी Amazon Pay से पैसा आपको भेजेगा तब पंजाब नेशनल बैंक में ही पैसा जाएगा, ठीक है, दूसरा किसी भी बैंक में पैसा नहीं जाएगा। इसी तरफ से अपना बैंक अकाउंट को ऐड करवा सकते हैं, बैंक अकाउंट को चेंज करवा सकते हैं और बैंक अकाउंट को भी प्राइमरी कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।